हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं इस वाले वीडियो में एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिससे करके आप लोग अपने ईमेल डिलीटेड परमानेंटली अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग के जो जीमेल है अगर परमानेंटली डिलीट हो गया है तो आप लोग उसे रिकवर कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से। मैं एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ना ही कोई रिकवरी ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आप लोगों की रिकवरी फ़ोन की, ना ही फ़ोन नंबर की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट बताना चाहूँगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोग अपने जीमेल अकाउंट को बार बार यहाँ पे लॉगिन करते हैं, डिलीटेड जो कि डिलीट हो गया है, बार बार जाके अपने पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, तो इसे क्या होता है फ्रेंड्स, गूगल को ऐसा लगता है कि आप लोग का जो ईमेल है उसे कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। इससे होता क्या है कि आप लोग अपने असली पासवर्ड, मतलब जो कि ओरिजिनल पासवर्ड है, जो कि राइट पासवर्ड है, उसे भी डालते हैं तो भी वो गूगल जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा गूगल को लगता है कि आप लोग का जो अकाउंट है वो कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है आप लोग के बार बार कोशिश करने से। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा एक ट्रिक जिसे आप लोग करके अपना रिकवर कर सकते हैं अकाउंट को बिना किसी रिकवरी फ़ोन या फिर ईमेल के। तो यहाँ पे उस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे हमारी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हाँ जो बेल आइकन उसे ऑल पे प्रेस कर देना है ताकि हम लोग कभी किसी तरह की वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आप लोग के पास जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग को कैसे कैसे करना है। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले अपना जीमेल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे आप लोगों को जो कि आप लोगों का डिलीट हो गया है जीमेल अकाउंट उसे आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट मेरा हुआ है, ये ईमेल आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को किसी पे भी टैप नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग सेंड फीडबैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे टाइप करूँगा वहीं आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को ये टाइप करना है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। हेलो गूगल टीम, आई हैव लॉस्ट माय गूगल अकाउंट पासवर्ड एंड आई कांट लॉग इन माय जीमेल। आई हैव नो रिकवरी फोन एंड ईमेल, सो प्लीज़ हेल्प मी। हाउ कैन आई लॉग इन अगेन with my gmail and what can I do to change my password। ये आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे this is my gmail account, यहाँ पे आप लोग को जो रिकवर करना है वो gmail account यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे थैंक यू लिख देना है। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग वही ईमेल से आप लोग भेजेंगे जो कि आप लोग का ईमेल यहाँ पे डिलीट हुआ है रिकवर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऊपर राइट हैंड साइड में एक टॉप पे एक सेंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लू कलर का, आप लोग को इस पर सिंपली टाइप कर देना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंड हो गई है। फिर आपको यहाँ पे 24 से 48 घंटे तक वेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक आएगा आप लोगों को पासवर्ड चेंज करने का और वहाँ पर आप लोग उस जीमेल को फिर से यहाँ पे साइन इन करके रिकवर कर सकेंगे। तो आप लोग जैसे ही उस लिंक को ओपन करेंगे वहाँ पे आप लोगों को ये लिखा हुआ शो करेगा कि यूज़ दिस लिंक टू साइन बैक इन। उसके बाद वहाँ पे आप लोगों को आप लोगों का जीमेल वहाँ पे लिखा हुआ होगा, यू कैन नाउ रीसेट योर पासवर्ड एंड साइन बैक इन टू आप लोगों का जीमेल अकाउंट वहाँ लिखा होगा। और यहाँ वहाँ पे आप लोग को गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को एक नया पासवर्ड क्रिएट करने का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और क्रिएट करने के बाद आप लोगों को चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है और उसके बाद आप लोगों का पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और उसे करके आप लोग अपने जीमेल अकाउंट को फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा तो यहाँ पे आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और हाँ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दिए ताकि हम लोग कभी भी इसी तरह की वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आप लोग के पास जाए। तो